हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन। मैं आपको यहाँ पे देता हूँ प्रेडिक्शन लाइव मैचेस का। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वालिफाइंग फॉर द फिनाले, और यहाँ पे देखना होगा कि कौन सी टीम यहाँ पे जीतने का मजा आती है। मेरे पास दोनों ही टीम के प्लेकार्ड्स हैं, एक है दिल्ली और एक है हैदराबाद। दोस्तों पहले मैं बात कर लेता हूँ भाई की, क्योंकि भाई के लिए बहुत सारे लोगों को फिक्र है उसकी, और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि उसकी तबीयत कैसी है, वो क्या कर रही है, उसकी अभी क्या सिचुएशन है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी वो काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छी पोजीशन में है और अच्छे से फूड खा रही है, अच्छे से उसकी रिकवरी हो रही है। तो थैंक यू सो मच गाइस आपकी दुआओं के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ 5-6 दिनों में वो अच्छे से और रिकवर करेगी और उसके फैदर्स आने में लेकिन 1-2 महीना लग जाएगा। दोस्तों तो देखते हैं कि अब आगे हम प्रेडिक्शन और कैसे कंटिन्यू कर पाते हैं, लेकिन अभी भी क्योंकि मुझे लगता है कि बैड आइज का इम्पैक्ट है उसके ऊपर, और अभी भी हम नहीं चाह रहे हैं कि उसको हम आपके सामने दिखाएं। लेकिन हम जितने भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं या जो भी प्रेडिक्शन हम आपको दिखा रहे हैं, वो उसी के थ्रू किए हुए प्रेडिक्शन है दोस्तों, और इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्वालिफाइंग मैच फॉर द फिनाले आप प्रेडिक्शन, जो कि होने वाला है हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल। थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं। दिल्ली कैपिटल जो कि लड़खड़ाती हुई आ गई, और वो शायद बैंगलोर से उस समय भी अगर बैंगलोर चाहती तो वो नहीं जीत पाती दिल्ली वहाँ पे, लेकिन जो मैच दिल्ली ने जीता और साथ ही साथ यहाँ पे मुंबई के साथ हारती हुई वो आई है, और उसे एक बार सेकंड चांस मिल रहा है यहाँ पे क्वालिफाई करने का। अब वो खेलने वाली है हैदराबाद के साथ, लेकिन अगर मैं वीकनेस की बात करूँ तो दिल्ली का एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर पृथ्वी शॉ, जिसने बहुत ही रिकॉर्ड बना लिए शायद डक पे आउट होने के, तो उम्मीद करते हैं कि शायद उनको अगर खिलाया गया तो कहीं ना कहीं अच्छी पारी वो खेलने में कहीं ना कहीं सक्षम हो जाएं। लेकिन देखना होगा कि वो दो बॉल से आगे खेल पाते हैं या नहीं। वहीं अगर मैं बात करूं हैदराबाद की, तो हैदराबाद में सारे कैप्टन से कैप्टन भरे हुए हैं। केन विलियमसन हो गया, जेसन होल्डर हो गया, और वॉट्स वॉर्नर हो गया। तो ऑलमोस्ट कितने सारे कैप्टन्स की अगर एक बात की जाए और एक अच्छे प्लेयर्स की बात की जाए, वहीं पे आशिक खान हो गया, तो 4 टीम्स के और कैप्टन ही उस हैदराबाद में खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग उभर के आई है, और इसने जो कमबैक किया है, जो मैच खेला है, वो बहुत ही लाजवाब है। और जो लास्ट मैच की मैं बात करूँ हैदराबाद की, तो कहीं ना कहीं 131 रन चेस करना उसके लिए मुश्किल लग रहा था, लेकिन जेसन होल्डर और केन विलियमसन ने जो प्रदर्शन किया है वो बहुत ही लाजवाब रहा है। दोस्तों यहाँ पे बात आती है एक्सपीरियंस की, और एक्सपीरियंस में अगर मैं बात करूँ तो हैदराबाद के पास एक्सपीरियंस एज पर दिल्ली कहीं ना कहीं ज़्यादा है, लेकिन दिल्ली भी कम नहीं है। दिल्ली ने अपने मैचेस में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है, और आगे भी वो कर सकती है। दिल्ली के पास बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो अभी तक पनप कर नहीं आ पाए, अच्छे तरीके से उभर कर नहीं आ पाए। बात करूँ मैं पंथ की, उन्होंने भी कोई ऐसी पारी अभी तक नहीं खेली है जो यादगार हो, लेकिन शायद आने वाले समय में, आने वाले मैच में, इस मैच में वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही शानदार ज़बरदस्त पारी खेल सकते हैं। वहीं पे स्टॉर्निस की बात करूँ तो वो भी अपना कहीं ना कहीं धमाल दिखा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पई के प्रेडिक्शन की, और पई ने जिस टीम को पिक किया है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ वो टीम है सनराइजर्स हैदराबाद की। यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद का पल्ला, मैंने आपको पहले भी कहा था, हैवी है, और मुझे भी लगता है कि शायद सनराइजर्स हैदराबाद यहाँ पे जीतेगी। और लेकिन ये जो प्रेडिक्शन मैंने आपको दिया है, ये पई के थ्रू का प्रेडिक्शन है दोस्तों, तो अब देखना होगा कि हम क्रॉस फिंगर्स कर लें, और अगर हम ये मैच जीतते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। सिर्फ 2 मैच बचे हैं, और वो 2 मैच मैं उम्मीद करता हूँ कि हम कहीं ना कहीं जीत के जश्न में जाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो थैंक यू सो मच गाइस, दुआएं करिए पई के लिए ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो, जल्दी से जल्दी उसकी जो फैदर्स की इश्यूज हैं रिकवर हो जाएं। और थैंक यू सो मच आपकी दुआओं के लिए। ऑलरेडी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं मेरे पास जिनका मैंने रिप्लाई भी किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें जरूर से, और लाइक और कमेंट करके भी भेजें। फेसबुक पेज पे अभी आप मुझे सर्च कर सकते हैं
स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन माय पाई, जहाँ पे मैं आपको सारे वीडियोस देता हूँ दोस्तों। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन माय पाई। और दोस्तों आगे भी आपको मैं इन प्रेडिक्शन देता रहूँगा, साथ ही साथ इस चैनल को हम और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपका साथ है ओ, हम हैं और आपका साथ है, बात इक्वल है ओ। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, सी यू, बाय बाय।